हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आपके फ्री फायर में डेली अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। ये अधिकतर सैमसंग के मोबाइल में आता है क्योंकि एक्सपेंशन पैक का प्रॉब्लम भी उसी में आता है। तो हम लोग का जो अपडेट वाला जितना भी फाइल रहता है, जैसे 15 MB 16 MB का जो अपडेट आया रहता है, वो डेली के डेली सैमसंग के मोबाइल में डिलीट हो जाता है, जैसे कि एक्सपेंशन पैक डिलीट होता है। अगर आप एक्सपेंशन पैक रखे रहेंगे तो डेली वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग का जो फाइल डाउनलोड किए रहते हैं वो डिलीट हो जाता है, जिसके कारण से डेली अपडेट के लिए मंगता है। तो मैं एक्सपेंशन पैक के लिए वीडियो बनाया हुआ था, वो 100% वर्किंग है यार, तो उसी वीडियो को भी मैं इसमें इंक्लूड किया हुआ हूँ और इसको आपको पूरा देख लेना है। इस वीडियो में भले ही बोला हुआ हूँ कि एक्सपेंशन पैक, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो डेली अपडेट वाला है वो भी सॉल्व होगा, एक्सपेंशन पैक वाला है वो भी सॉल्व होगा। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं ऑप्शन बताया हुआ हूँ उसको आपको सेटिंग से ढूंढ करके आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपके में कभी भी अपडेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा और मेरे वीडियो के अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 100% सॉल्व हो ही जाएगा। मैं वीडियो और भी देखा हूँ यूट्यूब में, लेकिन उन लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं। मैं बहुत सारा सैमसंग मोबाइल के स्क्रीनशॉट के जरिए इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि स्क्रीनशॉट्स के जरिए आप सभी को समझाऊंगा, लेकिन इससे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये पहले बनाया हुआ वीडियो है, इसमें सैमसंग का स्क्रीनशॉट ही है और इसमें आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आया हुआ है अननेसेसरी डाटा डिलीटेड, जिसमें 600 MB क्लियर किया गया है और इसी में हम लोग का एक्सपेंशन पैक डिलीट हुआ है। तो ऐसा नोटिफिकेशन अगर आपको भी देखने के लिए मिलता है तो फिर आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके भी उस सेटिंग पे जा सकते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और अगर आपके में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपने सैमसंग मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जब चले जाएंगे उसके बाद सेटिंग के अंदर आपको डिवाइस केयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके मोबाइल में डिवाइस केयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये और भी कई नामों से आता है, मैं आपको और भी इमेजेस दिखाता हूँ। अगर आपके में डिवाइस केयर नहीं है तो आप डिवाइस मेंटेनेंस भी देख सकते हैं, डिवाइस मेंटेनेंस नाम से भी आता है, सेम ही फंक्शन है दोनों का। और डिवाइस मेंटेनेंस भी अगर आपके में नहीं मिलता है तो अपडेट के बाद कुछ मोबाइल में बैटरी एंड डिवाइस केयर नाम से भी ये आता है, सब सेम ही है, आपको इसमें जाना है, ठीक है। डिवाइस केयर, बैटरी एंड डिवाइस केयर, जो भी ऑप्शन आपको मिले इन्हीं में आपको जाना है। और अगर आपके सेटिंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो सैमसंग की मोबाइल में सेटिंग के अंदर एक सर्च का भी ऑप्शन रहता है, तो आप सर्च के ऑप्शन में डिवाइस केयर, डिवाइस मेंटेनेंस, बैटरी एंड डिवाइस केयर ऐसा सर्च भी कर सकते हैं, तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मिलते हैं आपको सीधे उस ऑप्शन के अंदर जाना है। डिवाइस केयर के अंदर आने के बाद नीचे में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपका ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो इसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर आपको ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा ढूंढना है, वो मिल जाएगा तो उसको आपको ऑफ कर देना है। अगर स्टोरेज के अंदर आपको ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा नहीं मिल रहा है तो आपको राइट हैंड साइड में स्टोरेज में ही, मतलब डिवाइस केयर के अंदर आएंगे जैसे ही, उसके बाद राइट हैंड साइड ऊपर में 3 डॉट दिखाई देगा, उसको आपको एक बार क्लिक कर लेना है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको स्टोरेज बूस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्टोरेज बूस्टर को आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा मिल जाएगा। तो किसी किसी डिवाइस में डायरेक्ट स्टोरेज के अंदर मिल जाते हैं ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा, तो किसी किसी के मोबाइल में 3 डॉट के अंदर रहता है ये ऑप्शन। तो अगर आपके में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो आपको डिवाइस केयर के अंदर आकर के राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे क्लिक करने हैं ऊपर वाले, और उसमें से आपको स्टोरेज बूस्टर में जाना है, उसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आपका प्रॉब्लम बस इतना ही था, यही ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा नहीं मिल रहा था, और ये मिलते ही अगर आप ऑफ कर दिए उसके बाद आपका एक्सपेंशन पे कभी डिलीट नहीं होगा, बस इतना ही प्रॉब्लम था और यही इस वीडियो में बताना था मुझे। सो आई होप गाइस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।